धोरीमिना धोरीमिना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरीमिना के प्रधानाचार्य श्री आसुराम जी पारंगी सर का आज सेवानिवृत्त समारोह का कार्यक्रम हुआ और आसुराम जी पारंगी ने लंबा समय तक यहाँ पे धोरीमिना में अपनी सेवा दी और आज राजकीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हुई। मेरे साथ है पारंगी साहब जिन्होंने अपने अनुभव साझा करने के, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों की ओर से आपने विदाई ली और आपकी अग्रिम जीवन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस अवसर पर जो मेरे को बताया और यहाँ मेरा सब बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, सभी ग्रामवासियों का, सभी स्टाफ साथियों का, सभी का सहयोग मिला है। मैंने हमेशा छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए और छात्रों के हित के लिए कार्य किया है और छात्रों के हित को हमेशा सर्वोपरि समझा। कैसा रहा आसुराम जी पारंगी का यहाँ अनुभव? अनुभव बहुत अच्छा रहा और चूँकि धोरीमिना एक ब्लॉक स्तर का विद्यालय है, यहाँ पर ब्लॉक स्तर से संबंधित कई सारे कार्य जो है जो दूसरे विद्यालय में नहीं होते यहाँ पर करने पड़ते हैं, तो यहाँ ये प्रधानाचार्य का पद एक यहाँ पर वो चुनौती भरा है क्योंकि यहाँ पर विभाग को कई सारे कार्यों की अपेक्षाएं इस पोस्ट से होती है, तो हमने वो सब कार्य बखूबी निभाने का प्रयास किया। आसुराम जी पारंगी 2013 से यहाँ आए थे और फिर 2023 तक यहाँ 10 साल में कई काम किए, जितना प्रगति का काम हो वो एक बार साझा कर दीजिए थोड़ा सा। चूँकि मैं 1994 से 2004 तक, फरवरी 2004 तक इसी विद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्य रहा था, उसके पश्चात RPSC से सेलेक्ट होकर के मैं हेडमास्टर पद पे जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोजा गया था और कोजा से ही फिर मैं रामजी के गोल हेडमास्टर रहा और उसके बाद में प्रिंसिपल बन के मैं यहीं आया और मेरा प्रिंस प्रधानाचार्य का इतने 10 वर्षों का केवल इसी एक विद्यालय के अंदर है वो कार्यकाल रहा है और इस दौरान मैंने विद्यालय के विकास के लिए जो भी बन पड़ा मेरे से मैंने पूर्ण रूपण करने की कोशिश की, जिसमें मेरे आने के पश्चात जैसे विद्यालय के जो मेन गेट का निर्माण भामाशाहों के द्वारा करवाया गया, विद्यालय के रंग रोगन को लेकर के या विद्यालय माने जो भौतिक सुविधा है उनको लेकर के पूरा पूर्ण रूपण कोशिश की और ये चूँकि ब्लॉक स्तरीय आदर्श विद्यालय तो इसके अंदर जितने सारे जो काम थे इस विद्यालय में इसके विकास के लिए वो सब मेरे द्वारा किए गए। 60 साल की आपने जीवन जिया, 40 साल तक नौकरी की होगी, आपको फेवरेट विद्यार्थी या पसंदीदा विद्यार्थी कौन है, आपको एक नाम बताना है तो? नहीं, वैसे मेरे सभी विद्यार्थी पसंदीदा है, मेरे लिए सभी विद्यार्थी सम्मान है, इसलिए मैं इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। और कोई अगर आपके साथी शिक्षक या स्टाफ का नाम लेना हो तो? नहीं, शिक्षक तो सभी मेरे लिए सम्मान है और मेरे साथ सभी ने काम किया, मैं विशेष रूप से किसी का स्पेशल नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी मेरे लिए बराबर है, सभी ने अच्छा काम किया। भविष्य में क्या ख्वाहिश है? भविष्य में बस यहाँ से निवृत्त होने के बाद में अब समाज की सेवा करेंगे। किस फील्ड में, किस क्षेत्र में? जिस क्षेत्र में भी समाज को आवश्यकता होगी उस क्षेत्र में काम करेंगे। अब ये एक सवाल दर्शकों का रहेगा कि अब आसुराम का खौफ धोरीमिना से खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई खौफ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आसुराम जी का खौफ ये लगता है? नहीं, ऐसा कोई खौफ नहीं रहा, मैं अपने स्वभाव की वजह से थोड़ा जो है हर जगह मैं अनुशासन चाहता हूँ और अनुशासन को लेकर के जहाँ भी कभी मुझे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे विद्यार्थियों के जीवन में हो, अध्यापकों के जीवन में हो, जहाँ अनुशासनहीनता मेरे को देखने को मिलती है वहाँ मैंने काम किया और उस समय उनका काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।